हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही हिमकेयर योजना में अनियमितताएं पाए जाने के बाद सरकार ने निजी अस्पतालों में सेवा को बंद कर दिया है, जिसके बाद भाजपा लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में सरकार ने हिमकेयर योजना का लाभ लोगों को देना बंद कर दिया है। इन आरोपों पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि कुछ समय के लिए रोक लगाई है। नहीं, अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसी दृष्टिकोण से जो है हम कार्य कर रहे हैं। और ये कुछ इसमें हिमकेयर में कुछ जो बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी उसमें कुछ हमारे नोटिस में, सरकार के नोटिस में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में कुछ अनियमितताएं आई थी, तो उसके बारे में हम फीडबैक ले रहे थे। अब वो अंतिम चरण में है, जल्दी ही इसके बारे में जो है इसकी सुविधा जो है पूर्व की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगा। इसमें बदलाव हो सकता है कुछ, जैसा से कहा जा रहा है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज है उसको इस योजना से बाहर निकाला जाएगा, कुछ इस तरह की कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और स्वास्थ्य सुविधाओं से ही जुड़ा ये एक मुद्दा है और जो पात्र लोग हैं उनको इस कार्यक्रम का, इस योजना का लाभ मिले, हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं और इसी दृष्टिकोण से जो है हम जो इसमें जो कुछ भी हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या इस पे जो हमें हमारे नज़र में जो अनियमितताएं आई हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मिसयूज भी हो रहा है योजना का कुछ लोग? बिल्कुल, इसमें मिसयूज भी हो रहा है और वही अनियमितताएं की मैंने जो बात करी, अनियमितताओं की दायरे में ये चीज़ें आती हैं, तो जो कुछ अनियमितताएं हमारे संज्ञान में आई हैं हम उस पर विचार कर रहे हैं और सिर्फ इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पात्र लोगों को मिले, जिनके लिए ये योजना चलाई गई है उन लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आने वाले समय में ये योजना निजी अस्पतालों में मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल, ये जो योजना है जो पात्र लोगों को, हम सबसे हमारी प्राथमिकता है कि ये पात्र लोगों को मिलनी चाहिए, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक तो हमारा यही विचार है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।